क्लास अच्छा जी हमारे पास लास्ट मॉडल है हमारा आ, क्या कहते हैं आ, मेरे जहन से निकल गया हमारे पास लास्ट मॉडल था विंटर्स मॉडल जो कि हमारा है आ, क्या नाम है उसका फॉरकास्ट मैथ टाइम सीरीज़ फॉरकास्टिंग मैथड टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग मैंने कहा लास्ट मॉडल हमारे पास है विंटर्स मॉडल जिसमें हम तीनों फैक्टर्स को ट्रेंड सजनैलिटी एंड लेवल को एडप करते हैं उनको लेवल प्लस ट्रेंड को हम प्लस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं विद द सजनैलिटी फैक्टर इनविंटर्स मॉडल जी इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट जब आपका प्रोडक्ट में सजनारिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा इन होता है उसको हम अपने लेवल और ट्रेंड के साथ बैलेंस कर रहे होते हैं कि अगर चाहे पॉजिटिव आ रहा है ट्रेंड या नेगेटिव आ रहा है हमारी प्रोडक्ट अच्छी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है नेगेटिव में जा रही है बेशक उसमें अनसर्टेनिटी है ठीक है सिस्टमेटिक कंपोनेंट में अनसडेड रैंडम कंपोनेंट हमेशा रहता ही रहता है बट द थिंग इज दैट सीजनैलिटी फैक्टर के आने से हमारे प्रोडक्ट में जो है वो पॉजिटिविटी भी अच्छी तरीके से भी आ सकती है और जब हमारा जो सीजनैलिटी फैक्टर इन नहीं होता तो फिर वो डिफ उसका इफेक्ट नेगेटिव में भी चला जाता है तो विंटर्स मॉडल में जैसे हमारा जो आ, वी कैन से अगर हमारी प्रोडक्ट हम वी आर डीलिंग टेक्सटाइल सेक्टर और वी आर डीलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में हम क्या करते हैं सस्ाली फैक्टर को ऐड कर लेते होते हैं इसके लिए उन प्रोडक्ट्स के लिए हम विंटर्स मॉडल को यूज़ करते हैं सिमिलरली वी हैव टू एस्टीमेट द सिस्टमेटिक कंपोनेंट ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है लेवल मल्टी सॉरी लेवल प्लस ट्रेंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द सीजनल फैक्टर दैन यू हैव टू एस्टीमेट द लेवल जिस तरीके से हमने होल्स मॉडल में किया और सिंपल एक्सपेंशल मैथड में किया इसमें डिफरेंस क्या है विंटर मॉडल का सिंपल एक्सपेंशन स्मूथिंग से यू हैव प्लस वी हैव टू यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द सीजनल फैक्टर बाकी सारा प्रोसेस आपका वही रहेगा एक चीज़ ये डिफरेंस है दूसरा डिफरेंस क्या है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे वी हैव टू जब हम अपने अनसर्टेनिटी uh, को डील कर रहे होते हैं फॉर्डकास्ट एरर में तो हम उसको अल्फ़ा के थ्रू स्मूथ आउट कर रहे होते हैं ट्रेंड को हम बीटा के थ्रू स्मूथ आउट कर रहे होते हैं और हम सीजनल फैक्टर को क्या करते हैं वाई के थ्रू सी स्मूथ आउट कर रहे होते हैं ताकि हमारा जो ट्रेंड है वो हमेशा पॉजिटिव फॉर फर्दर पीरियड्स के लिए ना रहे बिकॉज़ दैट वुड बी अनरियलिस्टिक ठीक है तो हम अपने चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अल्फा बीटा और वाई को एडप कर रहे होते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि इनकी वजह से हम कितने अच्छे यानी कि किस हद तक नाइन्टी नाइन परसेंट और नाइन्टी सिक्स परसेंट तक एक्यूरेट हैं या हमारे आंसर कि हम कितना अच्छा अपने प्रोडक्ट के लिए फॉरकास्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके प्रोडक्ट को प्रोडक्ट्स में स्मूथ कर रही होती हैं नाउ लेट्स मूव टू वर्ड्स रुमारिकल एल्फा हमारे पास पॉइंट वन है बीटा हमारे पास पॉइंट टू गिवन है और वाई हमारे पास पॉइंट वन गिवन है नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू देश एस्टिमेट द लेवल ट्रेड एसैल फैक्टर ठीक है हमने लेवल कैसे फाउंड आउट फाइन आउट करना है अच्छा दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर वो इज जो हमने जो फर्स्ट मैथ हमने किया था ना गर्ल्स सॉल्ट वाला तो उन्होंने इस एग्जाम्पल को लेकर चले हैं वो अब गो टू योर बुक आई थिंक मैं ही ओपन करती हूँ फॉर जस्ट अ सेकेंड देखें तो इस सॉल की एग्जाम्पल की तरफ अगर हम चलते हैं ये देखें ठीक है ये देखिए वो बात करते हैं कि लेवल ज़ीरो है हमारे पास वन एट फोर थ्री नाइन ठीक है उन्होंने बात कर ली वन एट फोर थ्री नाइन हमारे पास रिग्रेशन लाइन में गिवन थी जो देखिए डिमांड टी एल प्लस टी यहाँ पर उन्होंने बता दिया था लेवल क्या है और ट्रेंड क्या है लेवल हमारे पास था वन एट फोर थ्री नाइन और ट्रेंड था हमारे पास फाइव ट्वेंटी फोर वो चीज़ उन्होंने यहाँ पर लिख दी ठीक है एल जीरो जो वन एट फोर थ्री नाइन और ट्रेंड था हमारे पास फाइव ट्वेंटी फोर इफ़ यू हैव रिमेंबर हमने रिग्रेशन लाइन लिखी थी तो उसमें ये चीज़ गिवन थी एंड सो स्नैलीफेक्टेड हमने खुद निकाले थे सीजन वन टू थ्री एंड फोर का पॉइंट फोर सेवन टू फोर जीरो पॉइंट सिक्स एट दैन वन पॉइंट वन सेवन वन पॉइंट वन सिक्स वन पॉइंट सिक्स सेवन एंड डी वन इज़ एट थाउजेंड जो कि हमारे पास डिमांड गिवन थी सारी ये डिमांड हमारे पास एट थाउजेंड से लेकर फोर्टी वन थाउजेंड तक गिवन है हमने हमनेजलाइज डिमांड भी निकाली थी एंड सीजनल फैक्टर भी हमने निकाले थे सीजनल फैक्टर कैसे निकाले थे हमने एटीन थाउजेंड नाइन सिक्सटी थ्री को डिवाइड किया था एट थाउजेंड पर तुम्हारे तो पास सीजनल फैक्टर आ गए थे ठीक है आगे चलते हैं हमारे पास हमने सबसे पहले फोर्डकास्ट करना है पीरियड वन के लिए ठीक है उसका फॉमूला क्या है एफ वन इज़ इक्ल टू लेवल प्लस ट्रेंड मल्टीप्लाई बाय सीजनल फैक्टर लेवल हमारे पास वन एट फोर थ्री नाइन था यू हैव टू प्ल अप विद द फाइव ट्वेंटी फोर दोनों आगों चीज़ें स्टार्ट इनिशियल में गिवन होती हैं बाकी आप जब निकालते हैं तो आप फर्दर उसको लेकर प्रोसेस कर रहे होते हैं एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द सीज़न वन दैट इज़ पॉइंट फोर सेवन तो एफ वन इज इक्वल टू योर एट नाइन वन थ्री

नॉट वी हैव टू रिवाइज द एस्टिमेट्स लेवल का फॉर्मूला लगाया हमने तो इस तरह से स्टेप थ्री में हमने थ्री चीज़ें करनी है लेवल प्लस ट्रेंड प्लस पर्सनैलिटी क्लियर एवल के लिए हम एल्फा की बात करेंगे डिमांड वन लेवल एल्फा इज पॉइंट वन यू हैव टू मल्टीप्लाई एट थाउजेंड एट पॉइंट फोर सेवन दैट इज द फॉर्मूला ऑफ योर विंटर्स मॉडल क्लियर डिमांड वन इज़ एट थाउजेंड यू हैव टू डिवाइड विद द सीजनल फैक्टर चूँकि आ गया है दैट्स वाई वी हैव टू डि डिडेड पॉइंट फोर सेवन अच्छा जिस सीज़न की बात की जाए सॉरी सीजनल फैक्टर की बात की जाए आपने उसी को ऐडअप करना है आपने फर्दर थर्ड फोर्थ को ऐड नहीं करना वो वहाँ आग, आगे, आगे पीरियड्स में इसको होगा। ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा आप देन वी हैव टू वन माइनस एल्फा पॉइंट नाइन आता है एंड लेवल इज़ वन एट फोर थ्री नाइन यू हैव टू प्ल एड अप द विद द ट्रेंड दैट इज़ फाइव फॉर टू एंड इसी तरीके से हमारे पास लेवल वन आ जाएगा दैट इज़ वन एट सेवन सिक्स नाइन फुडनिंग इन द फॉर्मूला फॉर द ट्रेंड एज वेल एंड सीजनलिटी फैक्टर सीजनैलिटी फैक्ट्री की हम बात करते हैं वाई हमारे पास पॉइंट वन था एट थाउजेंड को हमने डिवाइड किया अपने लेवल से दैट इज वन एट सेवन सिक्स नाइन देखें लेवल वन एट सेवन एल वन इज इक्वल टू द लेवल वन उस एवलम से माइनस कर दिया है हमने लेवल जीरो को उसके पास हमने अप करना है वन आइन बीटा और मल्टीप्लाई करना है अपने ट्रेंड से और हमारे पास ट्रेंड आ जाएगा फोर एट फाइव दैन वी डू फोर एट फाइव सीजनल फैक्टर की बात करते हैं सीजनल फैक्टर में पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाई एट थाउजेंड वाई वाई वन एट सेवन सिक्स नाइन दैट इज़ आवर लेवल वन यू हैव टू वन माइनस वाई दैट इज़ पॉइंट नाइन आ जाएगा मल्टीप्लाई यू हैव टू सीजनल फैक्टर एस वन पॉइंट फोर सेवन हमारे पास आ जाएगा एज़ फाइव सीजनल फैक्टर ठीक है फोर तक हमारे पास थे अब हमारे सीपर सीजन सीजनल फैक्टर फाइव का हमने निकाला है पॉइंट फोर सेवन ये हमारे आगे फर्दर प्रोसेस में काम आएगा क्योंकि हमने यहाँ तक एक नमेरिकल कंप्लीट हो जाता है नाउ द फर्दर दै फॉरकास्ट फॉर द डिमांड फॉर द पीरियड टू दैट इज़ आपने वही फार्मूला लगाया और मल्टीप्लाई कर दिया आपने सीजनल फैक्टर टू से और हमारे पास फोरकास्ट वन थ्री ज़ीरो नाइन थ्री आ गई है सिमिलरली इसके बाद आपने क्या करना है पॉडकास्ट निकालना है वही स्टेप है स्टेप थ्री दोबारा करना है एंड योर मैरिकल एंड जब विद द स्टेप थ्री क्लियर गर्ल्स